हेलो फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, अपना ध्यान और अपने बच्चे का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। सो फैमिली, आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो किस पोजीशन में सोने से आपका शरीर जल्दी रिकवर होगा, जो आपके टांके हैं वो जल्दी से सही हो जाएंगे और जल्दी से आप पहले जैसी हो जाएगी। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये वीडियो अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि फ्रेंड्स, आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो जो घाव होते हैं सिजेरियन डिलीवरी के, जो टांके होते हैं, उनको भरने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको ज्यादा टाइम तक आराम करने की जरूरत होती है। वैसे जो एक नॉर्मल टाइम है वो 40-45 दिनों तक रहता ही है, लेकिन आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो आपको 2 महीने तक रेस्ट करने की जरूरत होती है, जिससे कि आपका शरीर जल्द से जल्द रिकवर हो सके, जल्दी से जो टांके हैं वो भी सही हो सके। उसके लिए सबसे जरूरी है एक तो आराम, दूसरा जरूरी है आपकी नींद। तो ये दोनों ही चीजें जब बैलेंस में रहेंगी तो आपके टांके जल्दी से रिकवर होंगे और आपकी बॉडी भी पहले जैसी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, सोने में सबसे पहली चीज जो मैटर करती है वो होती है किस पोजीशन में आपको सोना चाहिए या किस पोजीशन में आपको आराम करना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आप पीठ के बल सो सकती हैं। जब आपकी सिजेरियन डिलीवरी होती है, मतलब ऑपरेशन से जब आपका बच्चा होता है, तो कुछ दिनों या कुछ हफ्ते बाद आप पीठ के बल सोना स्टार्ट कर सकती हैं। इससे आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ता है और इससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलता है। और अधिक आराम पाने के लिए आप साथ में एक चीज कर सकते हैं, तो घुटनों के नीचे आप एक पिलो लगा कर रख सकते हैं, घुटनों का बैलेंस थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, आपको कंफर्टेबल फील होगा और काफी ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। अब इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका बीपी ठीक नहीं रहता है तो फिर आपको इस करवट में नहीं लेटना चाहिए। दूसरी पोजिशन है करवट लेकर। स्पेशली सिजेरियन डिलीवरी के बाद करवट लेकर लेटने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। एक तो आपके टांकों पर दबाव नहीं पड़ता है और क्या होता है कि उठने में भी, जब आप करवट लेकर लेटी हुई हैं और उठती हैं तो आपको दर्द भी बहुत कम महसूस होता है। और साथ में बाएं करवट अगर आप लेटती हैं तो इससे ब्लड फ्लो जो है वो सही रहता है और आपका खाना भी ठीक तरीके से डाइजेस्ट होता है, मतलब कब्ज की दिक्कत आपको नहीं होती है। और कंफर्टेबल पोजीशन के लिए आप अपने हिप्स के पीछे और पेट के नीचे एक पिलो लगा सकते हैं, सॉफ्ट पिलो। इससे आपको काफी आराम मिलेगा। और अगर आपका बीपी ठीक नहीं रहता है तो ये पोजीशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आपका बीपी मतलब नॉर्मल नहीं रहता है तो आपको लेफ्ट साइड करवट करके ही लेटना चाहिए या सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन दो पोजीशन में आप ऑपरेशन डिलीवरी के बाद, मतलब सिजेरियन डिलीवरी के बाद सो सकते हैं। इससे जल्दी रिकवरी होती है, आपके शरीर को भी आराम मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, इसी तरीके से देखते रहें रेशूज बेबी केयर। बाय बाय, थैंक यू सो मच।